सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर पर मानहानि का केस करने की बात कही है। वहीं सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर के ईवीएम से जिस तरीके से बयानबाजी की और आगे संदिग्ध वाहन को आग लगाने के बयान को भी भड़काऊ बयान करार दिया है और इस मामले में अशोक तंवर की गिरफ्तारी की भी मांग ये कर रही हैं। सुनीता दुग्गल ये कह रही हैं कांग्रेस प्रत्याशी संभावित हार के डर से ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि उनका परिवार शराब और पैसा बांट रहा था। अब दुग्गल ये कह रही हैं कि या तो अशोक तंवर इस मामले में उनसे माफी मांगे या वे अशोक तंवर के खिलाफ मानहानि का केस ठोकेंगी। है कि मुझे लगता है कि संभावित हार को देखते हुए वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इसलिए अनर्गल अनाप शनाप बात कर रहे हैं। एक तो उन्होंने परिवार के ऊपर आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि 2:18 पर मैं और मेरा परिवार शराब बांट रहे थे, हम लोग पैसा बांट रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की गिरी हुई बयानबाजी करने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए। वो एक बहुत प्रतिष्ठित पद पर हैं, वो कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बार सोच कर बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। तो ये इन्होंने किस बेस पे कहा, इनके पास क्या प्रूफ है, क्या इनके पास आधार है ये बात कहने का, या तो ये प्रूफ करें नहीं तो मैं मानहानि का दावा भी करूंगी, और या फिर ये लिखित में मुझसे माफ़ी मांगे कि जो कुछ इन्होंने कहा उसके लिए माफ़ी मांगे, तो मैं सोच सकती हूँ। तो फिलहाल सिरसा से ये खबर आप देख रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी है दुग्गल और सिरसा की बात की जाए तो 60% पंजाबी वोट बैंक और बाकी जातियों की बात की जाए तो 40% उसका आंकड़ा बैठता है, लेकिन जब चुनाव हुए तो इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाते नजर आए।